जाओ मेरे प्यारे नन्हे चिड़िया, चलो इस खेत को क्लीन कर देते। आए मुन्ना, तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा, नींबू के जैसे निचोड़ डालूंगा। भैया किसे निचोड़ेगा? ओए झाड़ू को। भैया अब चलो इन चिड़ियों को सहलाते हैं। मेरे प्यारे नाव बस को ऐसे करते हैं, मकाऊ को ऐसे करते हैं। ओए मुन्ना, तुम उड़े सहला रहे हो या उड़े सता रहे हो? भैया जो कहना कह लीजिए, मैं अपने प्यारे बिटियाओं को सहला रहा हूँ। ओए ये बिटिया नहीं चिड़िया है, पता नहीं तेरी अकल कब सुधरेगी। खाओ खाओ खाओ, खूब खाओ मेरे नन्हे चिड़िया, पानी भी भर देता हूँ। भैया ये आपने इस जगह का क्या हाल कर रखा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ अच्छा चाहिए। अरे मुन्ना तू जो चाहे ले ले, देखते हैं तो क्या लेता है। यह बर्ड हाउस कितना अच्छा है, इसे लेते हैं। अरे बाप रे बाप, 19 पदर्स, ये तो बहुत ज्यादा है। अब क्या करूं मैं? भैया करो जो करना है। क्या करूं, ये बहुत महंगी है, इतनी महंगाई में तो अगर मैं सारी महंगाई इसी में बिका दूं तो मेरे खाने के लिए क्या होगा? अरे मुन्ना तो ये बड़ा चिड़िया चिड़िया कर रहा था तो ये भगत। अब क्या करूं मैं? भाई साहब 1200 का फीड है बकेट, ये तो बहुत गलत बात है। आइसक्रीम फीड है, चिड़िया कब से आइसक्रीम खाने लग गई? भैया आए मुन्ना पर्पल फीडर, अरे वीडर तो चाहे काला रंग का हो, सफेद रंग का हो या चाहे कुछ हो ही ना, क्या फर्क पड़ता है उसके रंग के? इस चीज के लिए 800 रुपए क्यों? आए तो डालूंगा, फोड़ डालूंगा, नींबू के जैसे निचोड़ डालूंगा। जब ये 150 किलो का हाथ किसी में पड़ता है ना तो उड़ता नहीं, उड़ जाता है। अरे क्या भैया फालतू के डायलॉग्स बोले जा रहे हो आप, जल्दी कुछ बाई करने में ध्यान दीजिए। आए मुन्ना भाई तो तू ही कर, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं नहीं अपना पैसे दे के कंगाल हो रहा। ये भैया तो कुछ नहीं करेंगे, मुझे ही कुछ करना होगा। अरे बाप रे बाप, 5000 का टेंट। अरे मुन्ना 5000 में तो यहाँ पे एक पूरा बिस्तर आ जाता है, तो 5000 में एक टेंट खरीद रहा है? बिस्तर से न जाने कितने टेंट बना सकते हैं। भैया आपको क्या मालूम बर्ड्स को कितनी सुविधाएं चाहिए होती है? हाँ हाँ, बर्ड्स थोड़ी ना खाना पकाने वाले हैं, बर्ड्स को आखिर खिलाना तो हमें ही पड़ता है, वो बस यूँ ही पड़े रहते हैं। भैया आप बर्ड्स के बारे में ऐसा मत कीजिए वरना मैं सोऊंगा नहीं, आपके पास क्या है? अरे मुन्ना मेरे पास दौलत है, शोहरत है, गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है? मेरे पास चिड़िया है। आए वो चिड़िया तो ही रख, मैं तो चला ही आइसक्रीम फीडर खरीदने। आइसक्रीम फीडर आजा, डाबर कडाबर गिली गिली छू, आजा मेरे मुन्ने गिली गिली छू बम बम बम। भैया पूरे 250 साल के बाद फाइनली ये आइसक्रीम फीडर आ ही गया। ओए मुन्ना
बैठ के क्या आइसक्रीम खिला रहे हो, मुझे भी दे दो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। देखो भैया आइसक्रीम डालते कैसे सब मेरे प्यारे चिड़िया कितने अच्छे से खा रहे हैं। आए मुन्ना तू नहीं सुधरेगा, आइसक्रीम दे दी इनको। अरे क्या हुआ भैया? अरे कुछ नहीं। ओए मुन्ना ये क्या हो रहा है? भैया ये देखो एक छोटा सा अंडा। अरे कितना प्यारा है ये। ओए मुन्ना ये बड़ा जादू है, आइसक्रीम है, इसे खाकर चिड़िया अंडे दे दी। अब पता नहीं इससे क्या निकलेगा। भैया वो तो फोड़ के पता चलेगा। ओए मुन्ना ये क्या बात कर रहा है, फोड़ता तो मैं हूँ, फोड़ डालूंगा नींबू के जैसे निचोड़ डालूंगा। प्यारे चिड़ियाओं तुम्हारे लिए एक बढ़िया तोहफा है ये। क्या हुआ मुन्ना? हाय कॉकरोच। ओए कॉकरोच तुझे छोड़ूंगा नहीं, एक कॉकरोच से डर गया तू, अभी इन कॉकरोचेस को मजा चुका के आता हूँ। ये ले जब 250 किलो का हाथ किसी में पड़ता है ना तो आदमी उड़ता नहीं, उड़ जाता है। भैया आप पहले ये डायलॉग बोलना बंद करो, आप यहाँ कोई मूवी थिएटर में नहीं आए हो, ना ही आप किसी फिल्म में एक्टिंग कर रहे हो।